Hello kids, good morning. How are you? I hope you all are fine. So, welcome again in your class. Kids, अभी तो आपका revision time चल रहा है क्योंकि आपका syllabus complete हो गया है और आपका exam भी आ गया है. तो चलिए हम आज के video में देखते हैं कि हमारा आज का revision क्या है. उसके question answer को हम match करेंगे और हम जो हमारी वर्कशीट थी उसके आंसर को मैच करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हियर रिवीजन नंबर 5 एंड द क्वेश्चंस आर राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. आपको जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे टी, जो स्टेटमेंट रॉन्ग है या जो सेंटेंस रॉन्ग है उसके आगे हम एफ लगाएंगे. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. The little bird was dancing in the poem. Once I saw a little bird. Next question. Mittu the parrot has red beak. Next is Mittu was not afraid of the crow. Question number 4. Mittu saw a yellow balloon under a tree. Number 5. The child wished to be a kite in the poem Kite. Number 6. Bobby took Sundari to the market. Number 7. A little dog was holding on to Sundari's long tail. Next is Sundari shooed the dog away. Number 9. Sundari could fly very high at first. तो आप इस सारे स्टेटमेंट को, सारे सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए और चलिए और हम मैच करते हैं इसके आंसर्स को. सो पुट आउट योर नोटबुक एंड लेट्स स्टार्ट. तो नंबर 1 क्या है? अ लिटिल बर्ड वाज डांसिंग इन द पोयम. वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड, नहीं ना, वो तो हॉप कर रही थी. सो इट इज फॉल्स. ये फॉल्स है इसलिए हम यहाँ पे एफ लगाएंगे. नेक्स्ट इज मिटू The parrot has red beak. Mittu, जो parrot था उसकी beak red थी. Yes, true. क्योंकि parrot की beak red ही होती है. Next is, Mittu was not afraid of the crow. Mittu crow से नहीं डरा था. डरा था ना? So, this is also false. Mittu saw a yellow balloon under a tree. Mittu ने जो balloon देखा था tree के नीचे, क्या उसका color yellow था? क्या उसका कलर येलो था? नो, इट्स कलर इज रेड. सो दिस, सो वी फिल हियर फॉर, सो वी फिल हियर एफ. नाउ लुक एट द नेक्स्ट. द चाइल्ड विश टू बी अ काइट इन द पोयम काइट. यस करेक्ट, वी फिल हियर टी. बॉबी टुक सुंदरी टू द मार्केट. बॉबी क्या सुंदरी को लेकर मार्केट गया था? नो, ही टुक सुंदरी टू द Fair. So we fill here F. A little dog was holding on to Sundari's long tail. Sundari ki jo tail thi, usko kya little dog ne pakda tha? Yes, correct. To ye sentence sahi hai. To yahan pe hum fill karenge T. Sundari shoot the dog away. Sundari ne us dog ko bhagaya tha? No, Sundari ne nahi, balki Bobby ne bhagaya tha. To hum yahan pe fill karenge F. And the last is, Sundari could fly very high at first. And the statement is yes, correct. So we fill here T. Now, students, ये हमारा revision number 5 था. Now come to the revision number 6. And the questions are, ये भी हमारा true false है. Write T for true and F for false statement. And number 1 is, A turtle walks very slowly. Turtle बहुत धीरे धीरे चलता है. Next, turtle carry food on its back. क्या वो अपनी पीठ पर फूड लेके चलता है? Next is, turtle's house is called cell. Number 4, a tiger was playing under a tree. Number 5, the tiger was helpless. Number 6, the mosquito continued to buzz. And 7, The color of the sky is green in the poem Cloud. Kalu was a tailor. Number 9. Appu was Kalu's brother. तो चलिए अब आप इसको ध्यान से देखिए और मैच करते हैं हम इसके आंसर्स. The turtle walks very slowly. Yes, correct.
टर्टल हमेशा ही स्लो चलता है. सो वी पुट हियर थ्री. नेक्स्ट इज टर्टल कैरी फूड ऑन इट्स बैक. क्या वो फूड लेके चलता है अपनी पीठ पर? नहीं ना, उसके पीठ पर तो उसका सेल होता है जिसको हम हाउस भी कहते हैं. सो वी पुट हियर एफ. टर्टल्स हाउस इज कॉल्ड सेल. और जो टर्टल का हाउस होता है उसकी बॉडी के ऊपर कवर, उसको हम क्या कहते हैं? सेल. यस, सो वी पुट हियर टी. अ टाइगर वॉज प्लेइंग अंडर अ ट्री. तो क्या टाइगर पेड़ के नीचे खेल रहा था? क्या कर रहा था वो? वो डॉजिंग कर रहा था. तो हम यहाँ पे फिल करेंगे एफ. नेक्स्ट इज द टाइगर वॉज हेल्पलेस. टाइगर हेल्पलेस हो गया था. करेक्ट. यस, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो वी पुट हियर टी. द मॉस्किटो कंटिन्यू टू बज. मॉस्किटो लगातार बजिंग कर रहा था. आपको याद है ना स्टोरी द टाइगर एंड द मॉस्किटो? तो क्या कर रहा था मॉस्किटो? बज कर रहा था. सो वी पुट हियर टी. द कलर ऑफ द स्काई इज ग्रीन इन द पोयम क्लाउड. क्या कलर था क्लाउड का पोयम क्लाउड में? यस, इट इज ब्लू नॉट ग्रीन. सो वी पुट हियर एफ. कालू वॉज अ टेलर. कालू क्या एक टेलर था? यस करेक्ट. सो वी पुट हियर टी. अप्पू वॉज कालूज ब्रदर. अप्पू कालू का भाई था? नहीं ना. सो वी पुट हियर एफ. अप्पू कौन था? अप्पू वॉज अ टेलर. सो In today's video, we have already know the answer of question number 5 and 6. Now, it's time for you to open the notebook and start learning and be prepared for your exams. Okay, thank you. Bye.